हे गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के अभी 7 बजे हैं, आज शनिवार है। लेकिन आज मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ कि 7 बजे शनिवार छुट्टी के दिन क्या हो रहा है। ये यशवर्धन सुबह उठा हुआ और पढ़ाई कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज इसका एग्ज़ाम है, आज इसका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है मैथ्स का, जिसके लिए तैयारी कर रहा है। 8 बजे हमें यहाँ से निकलना है, तो सारी तैयारियाँ कर ली हैं। इसकी मम्मी ने भी सुबह सुबह सफाई शुरू कर दी है और किचन में नाश्ते की तैयारी भी हो गई है। नाश्ते में पराठे और चाय। यशवर्धन थोड़ा सा डरा हुआ भी लग रहा है। डरे हुए बेटे? अरे डरना नहीं है, डरना क्या है? तो अरे ये कॉपी के अंदर छुपा के कौन? ये शैतानी नहीं, चलो अपनी तैयारी करो। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग करो। तो इसको अभी स्कूल लेकर जाएंगे। अपने स्कूल में नहीं है, दूसरे किसी और स्कूल में है ना, वहां जाएंगे। और यश तैयार हो गया है, बहुत बेचैन लग रहा है, काफी डरा हुआ है। क्या डर लग रहा है? और ये भाग लिया डर के मारे, तो अब चलते हैं। तो यश को लेकर निकल गए हैं और ये डरा हुआ पीछे बैठा है, इसे डर लग रहा है। अभी सिर्फ 8 बजे हैं, 10:30 बजे का पेपर है, देख ले। अभी भी इसे लग रहा है जल्दी है, मतलब देर हो गई है हमें, जल्दी एग्जाम चलो। बहुत मुश्किल होगा इसको, ऐसा लग रहा है। पर इसकी तैयारी तो अच्छी है, बाकी और देखते हैं क्या होगा। और ये हम पहुंच गए, रेड लाइट मिल गई है। रेड लाइट पर रुककर फटाफट चलते हैं। स्कूल के बाहर गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, तो हमने अपनी गाड़ी तो थोड़ी दूर ही पार्क कर दी है और पैदल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पूरा जाम लगा हुआ है, सभी पेरेंट्स आए हुए हैं। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कि पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। देखिए किस तरह बीच बीच में से निकल कर जाना पड़ रहा है, पूरा जाम लगा हुआ है। और स्कूल के गेट पर कितनी भीड़ है पेरेंट्स की, कैसे बच्चा अंदर जाएगा? अच्छा, इसकी मैम यहाँ पर मिल गई हमें और ये अंदर चला गया। एक मंदिर में, आसपास ही एक मंदिर था, तो वहाँ मंदिर चलते हैं राधा। वो जो पास में हनुमान मंदिर था वो देख कर आते जैन हैं। मंदिर, जैन मंदिर नहीं, हनुमान मंदिर है, जैन मंदिर। तो उस मंदिर में चलते हैं। वैसे तो हम पैदल भी जा सकते हैं, बस पीछे वाली रोड पर ही है, लेकिन गाड़ी ले चलते हैं, वहीं पार्क कर देंगे और फिर वहीं से घर निकल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर बस राइट टर्न लेंगे और सामने ही मंदिर है। यहाँ से लेते हैं टर्न और वो सामने मंदिर नजर आ रहा है। मंदिर के अंदर बिल्कुल एक हिल स्टेशन का फील मिलता है, पूरा पहाड़ है और दोनों तरफ ग्रीनरी। ये देखिए कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आए हुए हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, और बिल्कुल एक हिल स्टेशन का फील यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यशवर्धन होता तो उसे भी बहुत अच्छा लगता। यहाँ कुछ पक्षियों को देखकर राधा उन्हें दाना डालने चली गई है। अब मंदिर के अंदर चलते हैं, जो कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर है। काफी सारी सीढ़ियां यहाँ हैं। ऊपर पहुंचकर हमें एक बहुत बड़ा मंदिर नजर आता है। अभी घर पहुंचे हैं और वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले भैया भी आ जाने वाले हैं। हमारी वॉशिंग मशीन कई दिन से खराब पड़ी हुई थी, तो आज भैया आ गए हैं, इसे फिट कर रहे हैं।
अल्टीमेटली हमारे कपड़े धुल सकेंगे। हो गए, अब यशवर्धन को लाने का टाइम है, उसको लेने चलते हैं। तैयार हो? तो ये हम स्कूल के अंदर आ गए हैं, क्योंकि डिस्पर्सल स्कूल के अंदर ही होगा, बाहर रोड पे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। सभी पेरेंट्स स्कूल के अंदर हैं, काफ़ी अच्छा स्कूल नज़र आ रहा है। यहाँ इस तरफ बच्चों का प्ले ग्राउंड है टॉडलर्स के लिए। यशवर्धन तो इसे देखकर काफ़ी खुश होने वाला है। सब पेरेंट्स अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में आने वाले हैं। और ये हमारा हीरो आ चुका है, इसको लेकर अब चलते हैं घर। एग्जाम खत्म होने की खुशी में इतना एक्साइटेड हो गया, ऐसे मस्ती सूझ रही है। बेटा इतना नहीं मस्ती कर। आज अपनी बुआ के घर जाएगा? हाँ। अच्छा, शनिवार है तो आज मंदिर भी चलेंगे। राधा तैयारियां कर रही है मंदिर जाने के लिए। और यश लगा हुआ है। चलो बेटे आप भी जल्दी तैयार हो जाओ। मंदिर में दिया जला दिया है, अब चलेंगे बुआ। तो गाइज अब हम बुआ के घर से आ गए हैं और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।